पोस्ट में आपके साथ में मैं हूं नामिका। और अभी जो खबर है वो बेगूसराय से है, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहां दीवार गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई, दोनों ही चचेरे भाई थे। मिट्टी की दीवार गिरने से घायल बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना बलिया थाना क्षेत्र के पोखरिया मंझनपुर ज्ञान टोला की है। हादसे के समय बच्चों के माता पिता गाँव से बाहर खेत में मजदूरी करने गए थे। घटना के बाद बच्चों के परिवार में बिल्कुल मातम सा पसर गया। बताया जा रहा है कि मुकेश सदा का पुत्र कृष्ण कुमार एवं अशोक सदा का पुत्र सुमित कुमार अपने घर के नजदीक खेल रहा था। घर के सारे लोग गेहूं की कटनी करने के लिए बहियार की ओर गए थे। इसी दौरान एकाएक मिट्टी की जो दीवार थी वो ढह गई, जिसकी चपेट में दोनों बच्चे आ गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से रेस्क्यू करके बच्चों को बाहर तो निकाला और बलिया अनुमंडलीय हॉस्पिटल में जो नजदीक का था वहां पर उन लोगों को एडमिट कराया। यहां दोनों की हालत को देखते हुए डॉक्टर ने दोनों को सदर हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। गंभीर रूप से घायल बच्चों को सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहाँ इलाज के दौरान दोनों ही बच्चों की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। फिलहाल मौके पर पहुंच करके पुलिस जो थी वो कार्रवाई तो शुरू कर दी थी। बताया जा रहा है कि दोनों ही मृतक बच्चे आपस में चचेरे भाई थे और उनके माता पिता गरीबी की वजह से खेतों में मजदूरी का काम करते थे। जिस वक्त घर के सारे लोग बहियार की ओर गए हुए थे, उसी दौरान ये हादसा हुआ। तो वाकई में परिवार में मातम सा छाना तो निश्चित सी रूप है कि घर में लोग सोचते हैं बच्चों को छोड़ के जाना सबसे सेफ होता है, लेकिन जब आप काम से घर वापस आए बच्चे नहीं दिखे तो ये बहुत ही बुरा होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।